जयमाला के लिए खड़े हो जाइए। फेरों के लिए खड़े हो जाइए आप दोनों। से आप दोनों पति पत्नी के रूप में परिणित हुए। अब आप दोनों अपने श्रेष्ठ जनों के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। जीवती रहे। मेरे युवराज की जीवन संगीनी बनकर उसके हर अच्छे बुरे वक्त में उसका साथ देना। जी तेरा, मेरी बहू अपने घर हजारों खुशियां लेकर आए। बस मैं यही प्रार्थना करूंगी कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। भगवान तुम दोनों की झोली खुशियों से भर दे। दूधो नहाओ, पूतो फलो, खुश रहो। आज हमारी बेटी हमसे दूर जा रही है। तुम्हारे बिना हमारा राजमहल कितना सूना हो जाएगा। अब हम किसके मुंह से भगवान के भक्ति भरे गीत सुनेंगे। किसकी मधुर आवाज से हमारे दिन की शुरुआत होगी। खैर, हर माँ को एक दिन अपनी बेटी को विदा करना ही पड़ता है। जाओ बेटी, अपने परिवार वालों की खूब सेवा करना। ऐसी सेवा करना कि ये लोग जिंदगी भर न भूल पाए।
जी, आपने दाल तो ली नहीं, मैंने खास आपके लिए बनाई है। चलिए मैं ही आपको दे देती हूँ। दीदी, पापा जी को वो खीर दीजिएगा ना, तो मैंने उनके लिए बनाई है। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे मीठा खाना बना है। अच्छा, तो पापा जी आप एक काम कीजिए, आप ये करेले की सब्जी खाइए, ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। लीजिए, खाइए खाइए पापा जी, बहुत अच्छा है। ये मुझे दीजिए और आप जाके भविष्य जीजा जी के पास बैठिए। आखिर यही तो आपकी सही जगह है ना? आखिर आप इस घर की बड़ी बहू जो है। चलिए चलिए चलिए। भैया, अब बीच में खाना छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? बैठिए ना, अच्छे से खाना खाइए। आज हम सब एक साथ डिनर करेंगे। वैसे कितने दिनों के बाद हम सब ऐसे साथ में बैठकर डिनर कर रहे हैं, है ना? करेला पास कीजिएगा प्लीज। थैंक यू। लक्ष्मी, खीर तो बहुत टेस्टी बनाई है, लेकिन उतनी नहीं जितनी टेस्टी भाभी बनाती है। भाभी के हाथों में तो कुछ अलग ही जादू है। सत्य काम, तुम मेरी दीदी की जितनी भी तारीफ कर लो, मुझे बुरा नहीं लगने वाला। आखिर मैंने ये सब उनसे ही तो बनाना सीखा है। सत्यकाम, तुम और लो ना। Thank you.
पवित्रा बेटा, अपने दाहिने पाँव से उस कलश को ऊंडे लो और कुमकुम में पाँव रख के अंदर आ जा। और कौड़ियों में से जो इस अंगूठी को पहले निकालेगा, समझो बस उसी का राज चलेगा। अंगूठी कोई भी निकाल ले, लेकिन राज तो सिर्फ पत्नी का ही चलता है। मैंने कुछ बोला? चलो चलो खेलो। जीत मेरी बहू की होगी। मैं जानती हूं कि मेरी बहू मेरे बेटे का साथ जिंदगी भर देगी, इसलिए इस रिश्ते में राज मेरी बहू का ही होगा। सही कहा ना मैंने युवराज? हाँ हाँ, राज भी उसका और युवराज भी उसका। अरे क्यों हमारी नई नई बहू को सता रहे हो? थक गई होगी बेचारी। हाँ भाई, आज के दिन तो दोनों को अकेला छोड़ दो, आज तो इनकी सुहाग रात है। चलो 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 आओ। अंदर जाने देंगे? जी मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें अपने ननंदों को नेक देनी होगी, तभी तुम्हें अंदर जाने की इजाजत मिलेगी। नेक? हाँ नेक। गौरी दुर्गा जल्दी से आओ, अपनी भाभी को आसानी से छोड़ना मत। नेक? हाँ बेटा आओ, नेक मांगो, वैसे भी आज तुम्हारा ही दिन है, आओ। ऐसा मौका बार बार नहीं आता, जो मन में आए मांग लो। वैसे भी मेरी बहू का दिल बहुत बड़ा है, जो मांगोगे वही मिलेगा। न जाने ये नंदे क्या मांगने लगेंगे, महंगा मांग लिया तो। ये दोनों मेरे गहनों को क्यों देख रही हैं? कहीं मेरे इन गहनों पर तो इनकी नजर नहीं है। अरे गौरी दुर्गा मांगो, क्या चाहिए तुम्हें?
मांगो ना, कुछ अच्छा मांगना। भाभी हमें आपसे एक चीज चाहिए। हमें आपसे एक वादा चाहिए भाभी, कि आप हमेशा हमारे भाई का साथ देंगे, हमेशा उसे खुश रखेंगे। बस ये लड़कियां तो पैदा इसी बेवकूफ है। मैं वादा करती हूँ मैं युवराज का हर सुख दुख में साथ दूंगी। ठीक है अब आप अंदर जा सकती है। चलो बेटा। पवित्रा वहां टेबल पर केसर वाला दूध रखा है। तुम्हारे और युवराज के लिए। चलो चलो अब सब चलो यहाँ से, इसे और परेशान मत करो। हाँ चलो चलो। अब दोबारा नहीं आएंगे परेशान करने। दीदी परेशान होने का नहीं है दीदी, अरे जिस मकसद के लिए हमने बापूजी के खिलाफ जाके इतना बड़ा कदम उठाया है हमें उस मकसद से भटकना नहीं चाहिए। आपको अपनी बहन पे भरोसा है ना? भाभी लक्ष्मी बिल्कुल ठीक कह रही है और अपने प्लान को अंजाम देने के लिए मेरे पास कुछ है। ये देखिए और भाभी ये भविष्य भैया की डायरी है, इसमें प्रीति से जुड़ी हुई उनकी हर याद शामिल है। यही वो डायरी है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी।